जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। दो दिन पहले तो निर्जला एकादशी, नो फूड नो ड्रिंक, ना तो अन्न न तो पानी लेना था आपको। और आज दही चीड़ा महोत्सव के आप जी भर के दही चीड़ा दूध चीड़ा और जलपान और भी कोई पान है आज आप कर सकते हो। दही चीड़ा महोत्सव के तो निर्जला एकादशी के दिन में तपो भूमि में था कहो वन उल्टा डांगा जंक्शन रोड श्री भक्ति सुधान सरस्वती ठाकुर का निवास स्थान भी जो रहा वो तपो भूमि ही है। तो वहां पर हमने एकादशी के दिन निर्जला एकादशी के दिन तपस्या की। तो फिर वहां से मैं आगे बढ़ा, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा मुझे। ऐसे पानी हटे लगभग कोलकाता ही है, हम आधा घंटे में पहुंच गए और पता भी नहीं चला कि कोलकाता कहाँ समाप्त हुआ और पानी भाटी कहाँ शुरू हुई। आपके जानकारी के लिए से आप समझ सकते कि पानी हाटी है कहाँ। और यह गंगा का तट भी है, गंगा मैया की। और हमारा जो इसका पानी हाटी मंदिर है, प्रोजेक्ट है, अभी गंगा के तट पर ही है। और वो स्थान दंड महोत्सव तला जहां नित्यानंद प्रभु दंडित किए रघुनाथ दास जमींदार को, वो स्थान 100 मीटर भी नहीं है, इतने पास में स्कॉन के पास ही है वो स्थान। तो वहां पर आज के दिन 507 वर्ष पूर्व आज क्या एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, आज त्रयोदशी है। तो शायद सन 1516 में 16 में नित्यानंद प्रभु यही उपस्थित थे और उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया, जहां वो स्थान बन गया दंड महोत्सव नित्यानंद प्रभु के, उसे नित्यानंद प्रभु का उत्सव रहा। नित्यानंद प्रभु जो हर बार जाया करते थे नवद्वीप से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के पहले, स्नान यात्रा में जाते होंगे, अब कुछ ही दिनों में स्नान यात्रा है, हम भी जाने वाले हैं जगन्नाथपुरी। तो नित्यानंद प्रभु तो शिवानंद सेन लेके जाते थे और कई सारे असंख्य यात्रियों को ले जाते थे शिवानंद सेन, तो नित्यानंद प्रभु भी साथ में अद्वैत आचार्य इत्यादि इत्यादि श्रीवास ठाकुर सब जाते थे जगन्नाथपुरी धाम की। और फिर वही रह जाते चैतन्य महाप्रभु के साथ 4 मास चातुर्मास में,
लेकिन एक समय वे गए, नित्यानंद प्रभु गए जगन्नाथ पुरी, तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया, जाओ बंगाल जाओ और वहां हरि नाम का प्रचार करो, प्रति घरे गिया कर अमार शिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु प्रस्थान किए जगन्नाथपुरी से, अपने कुछ विशेष परिकरों को भी साथ में लिए, जिनको हुआ द्वादश उनके ग्वाल बाल, उनके एक टीम है द्वादश ग्वाल बालकों का, बलराम होइल निथाय, बलराम ही तो बने थे नित्यानंद प्रभु। तो जो बलराम उनकी टीम थी, कृष्ण बलराम लीला में बलराम के टीम के मेंबर्स भी अभी नित्यानंद प्रभु के प्रकट लीला में वे भी प्रकट हुए थे, उनके संगी साथी ग्वाल बाल। तो उनको साथ में लेकर नित्यानंद प्रभु पहला गंतव्य स्थान उन्होंने बनाया, फर्स्ट डेस्टिनेशन, कहाँ जाएंगे, पानीहाटी जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु कीर्तन और नृत्य करते हुए पानीहाटी आए, कीर्तन नृत्य में ऐसे विभोर हो जाते। तो कई बार वो रास्ता भूल जाते, कई मुड़ना था दैना या बाया, उसको भूल के आगे बढ़ते और फिर लोग आए, कहाँ जाना आपको, पानी हटी नहीं, वापस जाओ, गो बैक, वहां से आपको टर्न लेना था, तो वहां जाते हैं या वैसे मुड़ते हैं, क्योंकि कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है। और इस कीर्तन में कोई मग्न है, तल्लीन है, भाव विभोर है या पागल है कहो तो सही ही होगा। केव मंत्र दिला गोसाई की बता रहा बोल, जपीते जपीते मंत्र करील पागल, तो पागल की तरह मस्त होके नित्यानंद प्रभु फाइनली पहुंच ही गए यहाँ, और यहाँ पानीहाटी में जगन्नाथपुरी से पानीहाटी, और यहाँ आकर उन्होंने अब और 3 महीने ये चैतन्य भागवत में उनके कीर्तन का वर्णन आता है, 3 महीने कीर्तन कर रहे थे नॉन स्टॉप। हम लोग तो 3 घंटे नहीं कर पाते, 1 घंटा हुआ तो घड़ी की ओर देखने लगते हैं हम लोग। हमारा कीर्तन मेला होता तो लोग सोचते महाराज कब कीर्तन बंद करेंगे, चल ही रहा है चल ही रहा है, कल रात का भी हो रहा था। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु एंड उनके जो साथी थे वे यहाँ 3 महीने कीर्तन करते रहे, एक अद्भुत अमेजिंग वंडरफुल, कैसे कैसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं उस, और ये सब प्रेम कीर्तन तो हो ही रहा था, प्रेम कीर्तन, प्रेम कीर्तन, कीर्तन के साथ नृत्य। तो कीर्तन करने वाले कभी कभी पेड़ पर भी चढ़ते, पेड़ की शाखाएं हैं उस पर नाचते,
डरते नहीं, क्या योगी की तरह कई सारे चमत्कार भी दिखा रहे थे और के नमस्कार भी हो रहे थे उनके कीर्तन को, उनके नृत्य को। यहाँ के स्थानिक लोग ऐसा कीर्तन देख रहे थे और फिर वे भी ज्वाइन कर रहे थे। तो फिर कीर्तन करते 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 फिर एक दिन की बात है, नित्यानंद प्रभु इस दंड महोत्सव तले के तले मतलब नीचे गंगा के तट पर इस वृक्ष के नीचे जो चबूतरा था प्लेटफॉर्म वहाँ बैठे थे और अपने परिकरों को संबोधित कर रहे थे। कुछ बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मामित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च चल रहा था। तो वहां पर पहुंचे थे रघुनाथ दास। यहां से कुछ ही दूरी पर सप्तग्राम, सप्तग्राम नाम का ग्राम या गांव है, वहां के निवासी रहे ये रघुनाथ दास। भविष्य में रघुनाथ दास गोस्वामी होने वाले रघुनाथ दास, वे चैतन्य महाप्रभु का अंग संग सानिध्य प्राप्त करना चाह रहे थे। नेता विनय भाई क्या राधा कृष्ण पाई तेनाय। तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य। तो इस अभिलाषा से आए थे रघुनाथ दास कि नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाए तो मुझे गौरांग महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। जाने का खूब प्रयास करते लेकिन घर वाले, उन्होंने चौकीदार और गार्ड्स रखे हुए थे तो कभी कभी वे दौड़ भी पड़ते जगन्नाथपुरी की दिशा में। उन दिनों में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हुआ करते थे तो इनको पकड़ ले आते, घर में उनको बांध देते ताकि वो कहीं भागे नहीं। तो ये सारे बंधन थे। तो इससे मुक्त होना चाहते थे तो उन्होंने मैनेज किया, यहाँ आना तो मैनेज किया सप्तग्राम से। और जहाँ नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों को संबोधित कर रहे थे तो रघुनाथ या नित्यानंद प्रभु ने देखा कि ऐ ऐसे रघुनाथ प्रसिद्ध होंगे। नित्यानंद प्रभु जानते थे, वैसे भी नित्यानंद प्रभु सर्वज्ञ है तो वे सभी को जानते हैं, तो रघुनाथ दास को क्यों नहीं जानेंगे। तो मैंने देखा कि रघुनाथ पीछे बैठा हुआ है, रघुनाथ दास। वैसे मेरा भी नाम रघुनाथ था एक समय, और मैं भी एक जमींदार का बेटा था। मैंने उतनी जमीन नहीं थी हमारी जितने रघुनाथ दास के पिताश्री की संपत्ति थी या जमीन थी, किंतु काम कुछ तो साम्य है। तो और हम भी मुक्त होना चाहते थे वैसे, लेकिन घर वाले छोड़ नहीं रहे थे। अरे अरे, तो हम प्रभुपाद के चरणों में पहुंचे तो प्रभुपाद ने हमको मुक्त किया। नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि श्री प्रभुपाद के,
नित्यानंद प्रभु ने देखा कि रघुनाथ पीछे बैठा है, तो गए चोर कई का छिप के पीछे बैठे हो, आगे आ जाओ। तो नित्यानंद प्रभु एक नम्र विनम्र भक्त थे, तो धीरे धीरे भी आगे आ रहे थे और नित्यानंद प्रभु भी उठे और आगे बढ़ रहे थे रघुनाथ दास की ओर। तो नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन कर हमें बड़ा दुखी, ऐसे कुछ विचार साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है। हे नित्यानंद प्रभु, आप तो नित्यानंद, आपके नाम से पता चलता है आप कैसे हो, नित्यानंद। लेकिन आप तो सुखी, लेकिन देखिए हम तो दुखी, ये सही नहीं है ना, आप सुखी और हम दुखी। तो निताय मोरो मोरे कर सुखी, हमको भी सुखी कीजिए, हमको भी मुक्त कीजिए। इस भाव के साथ रघुनाथ दास ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो नित्यानंद प्रभु दंड देना चाहते थे रघुनाथ को, क्योंकि पीछे बैठा था, दूर बैठा था, पास में क्यों नहीं बैठे हो। तो पहला दंड तो क्या, उसके सिर पर अपना चरण कमल ही रखे। हरी हरी हरी, कैसा है दंड देखिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अंग्रेजी में कहते हैं। ये दंड या शाप ही वरदान रहा। क्या वैसा आप ऐसा दंड आप प्राप्त करना नहीं चाहोगे? या एनीवन इंटरेस्टेड ऐसा नित्यानंद प्रभु आपको दंडित करे? हाँ ऐसे, यही तो कई सारे हैंड रेज हो रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु आप सबकी इच्छा की पूर्ति करे, जो जो चाहते हैं कि आप। तो एक तो ये दंड हुआ, और जैसे ही प्रणाम के उपरांत नहा जोड़ कर बैठे खड़े हुए, तो नित्यानंद प्रभु का एक और एक दंड है, या और दंड है, और वो क्या है, मेरे जो संगी साथी है परिकर है, उनको तुम दही चिड़ा खिलाओ। कभी वैसे प्रथा होती है इस काम में, तुम गुलाब जामुन खिलाओ उनको, इनको ये खिलाओ, उनको वो खिलाओ, ऐसा पनिशमेंट गृहस्थों को या कुछ अमीर भक्तों को दंडित किया जाता है। तो रघुनाथ दास जमींदार थे और बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक थे वे, पर पिता की संपत्ति पुत्र की होती है। तो वह तो ये उचित ही था दंड, अपने संपत्ति का उपयोग दही चीड़ा खरीदने में और उपयोग करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वैसा ही किए, और उस दिन दिन भर ये उत्सव दंड महोत्सव संपन्न हो रहा था। रघुनाथ दास गोस्वामी ने, he must be also good manager, ऐसी व्यवस्था की
और फिर धीरे धीरे केवल दही चीड़ा ही नहीं, दूध दुग्ध चीड़ा की व्यवस्था की। ऐसे पहले तो नित्यानंद प्रभु को भोग लगा या खिलाए, और नित्यानंद प्रभु अपने सारे मित्रों को परिकरों को गोलाकार बिठाए और सबको परोसा जा रहा था, दही चीड़ा दूध चीड़ा, इसमें फिर केला भी मिलाते हैं, शक्कर का भी मिश्रण होता है, मधु भी होता है, कर्पूर भी डाल देते हैं। आज भी हम देख रहे थे जब ले जा रहे थे भोग इस्कान पानीहट्टी मंदिर से, मैं भी ले के जा रहा था भोग, तो उसे नाम ही है चीड़ा चीड़ा, हाँ, लेकिन उस तो चीड़ा तो होता ही है, दुग्ध चीड़ा दही चीड़ा, लेकिन ये विशेष पकवान बन जाते हैं, मिष्टान बन जाते हैं, कई सारे फल भी उसको उसमें मिलाते हैं। आज तो हम आम के फल भी थे। तो नित्यानंद प्रभु ये दही चीड़ा और दूध चीड़े का आस्वादन कर रहे थे अपने परिकरों के साथ, तो वे पहुंच गए, ये स्थान ही हुआ कहो, स्थानांतरित हुआ या परिवर्तित हुआ, यहाँ से ये स्थान पहुंच गया या सभी पहुंच गए वृंदावन जमुना के तट पर, या जमुना और वृंदावन पहुंच गया पानीहाटी, वैसे भी नॉन डिफरेंट है ही। और मंडल भूमि जा रहे जाने चिंता मणि, तो ये गौर मंडल भूमि, ये चिंतामणि धाम वृंदावन धाम की नॉन डिफरेंट, तो उनके लिए ये जमुना, यहाँ जमुना का अनंत जमुना गंगा, गंगा कैसा दर्शन है, अद्भुत दर्शन, तो ये उनके लिए ये गंगा बन गई जमुना, और जमुना पुली ने जमुना के तट पर जैसे बलराम और कृष्ण के साथ भी, तो जब नित्यानंद प्रभु ग्रहण कर रहे थे दही चीड़ा दूध चीड़ा, तो उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को भी आमंत्रित किया, और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। वे सभी तो देख नहीं रहे थे, तो धीरे धीरे ये हो रहा था यहाँ के प्रसाद वितरण का, अगल बगल के गांवों में इसका समाचार पहुंच गया, या वहीं से कुछ उनको गंध लगा या सुगंध, यहाँ से हवा बहती होगी जिन जिन गांवों की वो, तो उन गांवों के नगरों के असंख्य जन यहाँ आए, और सभी वैसे कोई पंक्ति में तो कोई खड़ा होता नहीं जब प्रसाद वितरण होता है, तो सभी लूट रहे थे, लूट सके तो लूट, क्या लूट रहे थे, दही चीड़ा दूध चीड़ा, और जो ओरिजिनल जो भी स्टॉक जो खरीदा था दही चीड़ा दूध चीड़ा, वो सामग्री पूरी नहीं हो रही थी तो दूसरे
लोगों ने यहाँ आकर दुकान खोल दिया, दही का दुकान, चीड़े का दुकान, दूध का दुकान, और अपना अपना सारा दही चीड़ा। वैसे ये क्षेत्र चीड़े के लिए, चीड़ा समझ रहे, चिवड़ा चिवड़ा, ये राइस के कई सारे, कई प्रकार का राइस, राइस को पोहे कहो, फ्लैट राइस, चिप राइस से कई नाम है, सुदामा चे पोहे मराठी में। तो सुदामा ले गए थे द्वारका, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम मुझे पोहे खिलाओ, चीड़ा खिलाओ, दही चीड़ा, दूध चीड़ा। तो इस क्षेत्र में ये खूब इसका उत्पादन होता है, और ये पानीहाटी इस चीड़े के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध, यहाँ से एक्सपोर्ट और कहाँ कहाँ पहुँचता है ये चीड़ा। तो सारे बड़े बड़े दुकानदार, उन्होंने अपने दुकान खोले, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे खरीद रहे थे दही चीड़ा, और फिर और दही चीड़ा, दूध चीड़ा बन रहा था ऑन द स्पॉट, फटाफट। कई सारे रांझन मराठी में, कई सारे मिट्टी के बड़े बड़े पात्र, कितने थे और बड़े कितने, छोटे कितने, और फिर हरे को कुल्लड़ भी दिए जा रहे थे, दो दो कुल्लड़, एक में दही चीड़ा, दूसरे में दूध चीड़ा। तो दुकानदार तो पहले अपना माल जो है वो बेच देते, ओके इसके 1,000 रुपया, इसका 2,000, 5,000 हुआ, तो रघुनाथ ओके ले लो ले लो। तो चीड़ा तो बेचने वाले फ्री में नहीं दे रहे थे, उसका दाम था, उसको खरीदना पड़ रहा था रघुनाथ दास गोस्वामी को। लेकिन जब अपना स्टॉक जब खत्म हुआ, अब दुकान में कोई माल बचा ही नहीं, सब खरीद लिया रघुनाथ दास ने, तो फिर यही दुकानदार वो दही चीड़ा खा लेते थे, रघुनाथ दास उसको चार्ज नहीं करते। ऐसे दुकानदार तो चार्ज कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, रघुनाथ दास फ्री, फ्री प्रसाद, फ्री, फ्री फॉर ऑल, दिल भर के, जी भर के वितरण कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी के। तो यमुना का, गंगा का तट, यमुना का तट सारा भर गया लोगों से, जगह ही नहीं है, तो लोग गंगा, गंगा में प्रवेश कर रहे थे, गंगा के तट में या पानी में प्रवेश कर रहे थे, घुटने तक पानी है, तो और आगे जा रहे, और जगह कम पड़ रहा है, कमर तक पानी है या छाती सीने तक पानी है, और ऐसा ऊपर एक हाथ में दही चीड़ा, दूसरे हाथ में दूध चीड़ा लेके पता नहीं कैसे खा रहे थे, दोनों भी हाथ बिजी थे उनके, दही चीड़ा दूध चीड़ा। तो कल्पना कीजिए, मैं लास्ट ईयर भी था और आज भी हूँ यहाँ, तो वैसे वही लीला रिपीट होती है 507 वर्षों से। पता नहीं उन दिनों में लोग संख्या अधिक थी कि अब है अधिक, इतने लोग यहाँ। और ये भी मैंने अनुभव किया कि मैं तो सोचा था कि केवल इस्कॉन वाले ही दही चीड़ा वितरण करते होंगे, दूध चीड़ा, लेकिन यहाँ तो यहाँ के जितने भी मंदिर मठ संगठन है, और कुछ इंडिविजुअल गृहस्थ भक्त भी है, अपना अपना भोग दंड महोत्सव तले पर नित्यानंद प्रभु को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, और फिर दिन भर इस नगर में दही चीड़े का वितरण होता है। दूर दूर से लोग या तो
दही चीड़े का भोग लगाने के लिए या दही दूध चीड़े का भक्षण ग्रहण करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। ऐसे महात्मा गांधी भी आया करते थे। रामकृष्ण परमहंस भी उसमें जुड़ते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस या भक्ति चौर महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है यहाँ के लीला के संबंध में, या इस धाम का महात्म्य लिखा है कहो पानीहाटी धाम का, उसमें वो उल्लेख करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़े बड़े नाम, बिग नेम्स, उनका यह आगमन हुआ है। और फिर श्रील प्रभुपाद के, श्रील प्रभुपाद दो बार यहाँ आए। तो मुझे एक व्यक्ति कल मिले तो उन्होंने कहा आपके आपके गुरु महाराज को मैं मिला था, यही मिला था। तो प्रभुपाद भी यहाँ दो बार आए थे इस स्थान का दर्शन करने। और शायद उसी समय से फिर प्रभुपाद के मन में विचार आया कि यहाँ भी इस्कॉन होना चाहिए, पानीहाटी में इस्कॉन की स्थापना होनी चाहिए। ऐसे कुछ विचार व्यक्त किए होंगे श्रील प्रभुपाद। तो फिर भविष्य में भक्ति चौर महाराज का भी यहाँ आगमन हुआ, वे भी आते जाते रहे। और एक स्थान इस्कॉन को यहाँ मिला हुआ है इस दंड महोत्सव तले के बिल्कुल निकट में। तो वहां पर अब धीरे धीरे मंदिर निर्माण की तैयारियां, कहो फंड रेजिंग डिजाइन की तैयारियां हो रही है। वैसे लैंड के कुछ मामले हैं, उसका भी क्लीयरेंस की तैयारी हो रही है। तो वह भविष्य में एक विशाल भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना होने वाली है ही। तो ये तो कई सारे आए तो थे महानुभाव, कहो या इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ आए हैं। श्रील प्रभुपाद आए, भक्ति चौर महाराज आए, और भी तो इस्कॉन के कई सारे लीडर यहाँ आते ही रहते हैं। तो आप कब आओगे? When are you going to come? आप भी कभी आ जाओ। On the way to Mayapur, वैसे हम लोग जब 85 में, आपको पता है 84 से हमने द्वारका से मायापुर जो पदयात्रा निकाली थी वाया कन्याकुमारी, 8,000 किलोमीटर वाली पदयात्रा, तो हम भी कोलकाता से फिर पानीहाटी हम आए थे। नेताजी गौर सुंदर का रथ के साथ और देश विदेश के कई सारे भक्तों के साथ। तो मुझे याद है दैट वाज माय फर्स्ट विजिट 85 में। और भी हम लोग यात्रा को लेके यहाँ आए थे मायापुर यात्रा के समय, भक्तों को यहाँ लेके आए थे। तो वह आप कभी आ जाइए। वैसे भी कोलकाता में प्रभुपाद के भी कई सारे लीला स्थलिया है, उनका भी दर्शन करते करते आप पानीहाटी भी आ सकते हो। कटहल तला जहाँ चैतन्य श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ, और बगदाद, इस्कॉन, अल्बर्ट रोड, इस्कॉन कोलकाता, इसकी स्थापना स्वयं श्रील प्रभुपाद की, राधा गोविंद मंदिर, वो भी दर्शनीय स्थल है।
और ये उल्टा डंगा जंक्शन रोड जहाँ प्रभुपाद और प्रभुपाद दोनों प्रभुपाद या अभय बाबू और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिले, वो स्थान भी दर्शनीय है। तो इन स्थानों का दर्शन करते करते आप यहाँ भी आ सकते हो। एनीवेज जैसे तैसे आप कभी आइए पानीहाटी धाम के। तो ऐसे उत्सव में फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी पधारे, तो जिस स्थान पर नित्यानंद प्रभु गए आए, चैतन्य महाप्रभु आए, ऐसे स्थान तो गंतव्य स्थान बन ही जाते हैं। हमको हमको भी जाना चाहिए जहाँ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए गए रहे लीला खेले। आप आए तो नहीं, लेकिन आप जहाँ भी हो हमारे सारे इस्कान, ऐसे सारे इस्कान भर में इसका ये उत्सव मनाया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। इतना लिमिटेड नहीं रहा ये पानीहाटी से लिमिटेड या मर्यादित नहीं है, विश्व भर में पानीहाटी महोत्सव मनाया जाता है। जैसे अमेरिका में एक अटलांटा इसका नाम ही श्रील प्रभुपाद रखे, पानीहाटी श्रील प्रभुपाद नाम दिए। अटलांटा अमेरिका का बड़ा शहर है, तो इस स्थान का नाम होगा पानीहाटी या न्यू पानीहाटी। और तो विश्व भर में ही उत्सव मनाया जाएगा। आप भी इस उत्सव को मनाइए अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने जहां भी आप हो। आज दही चीड़े का, दूध चीड़े का भोग लगाओ, नित्यानंद प्रभु का। और फिर अपने इष्ट मित्रों को बुलाओ और दही चीड़ा खिलाओ या पड़ोस में इसका वितरण करो या कहीं मार्केट प्लेसेस में जाओ, दही चीड़ा दूध चीड़ा बांटो। और इसी के साथ फिर हो जाएगा भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। प्रीति लक्षण भी होगा। तो वैसे नित्यानंद प्रभु ने ये दंड देने का बहाना बना के ये वैष्णव सेवा सिखाई है। ये दही चीड़ा महोत्सव से ऐसे वैष्णव सेवा या जीवे दया भी है, वैष्णव सेवा भी है। तो आप सब इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इसका अंग बनिए, बी पार्ट। केवल साक्षी ही नहीं बनना बट बिकम पार्टिसिपेंट्स, इसका एक अंग बनिए और फिर आप अनुभव कर सकते हो।